गाइस अभी हम लोग आज के क्रेजी एक्स वाई जेड के घर के एकदम करीब। आप देख सकते हैं ये है क्रेजी एक्स वाई जेड का घर, और जैसे कि आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरे की नज़र पे हैं, ये पूरा उनका घर है, ये देखिए गाइस। कैसे हो दोस्तों, एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो व्लॉग है ना, ये मेरे यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे अच्छा व्लॉग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं मिलने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट की दुनिया के बेताज बादशाह क्रेजी एक्स वाई जेड यानी अमित भाई से। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और हम लोग 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाने वाले हैं राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला। तो अंशु भाई कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, एक्साइटमेंट काफ़ी है। देखते हैं मिलकर क्या होता है। क्या देखते हैं, मिल पाते हैं या नहीं, ये भी एक सस्पेंस है। हाँ सही बात है, क्योंकि कोई भी जल्दी से मिलने की कोशिश नहीं करता है ना, जब कोई लाख वाला सब्सक्राइबर वाला मिलने की कोशिश करे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करना हमारा फर्ज है। बाकी मिलाने वाला ऊपर वाला है, अगर होगा किस्मत में मिलेंगे, नहीं तो फिर आया जाएगा ऐसे ही। तो चलिए आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र है। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ से क्रेजी एक्स वाई जेड का घर सिर्फ 10 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे हैं जयपुर, और यहाँ से 10 किलोमीटर का रास्ता और बाकी है। हाँ हाँ, बांसोर है शायद। ठीक है, हम लोग निकलेंगे अभी यहाँ से। ठीक है, 10 किलोमीटर का रास्ता है, और फिर आपको मिलाएंगे क्रेजी एक्स वाई जेड से। जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए। सो गाइस अभी हम लोग आज के क्रेजी एक्स वाई जेड के घर के एकदम करीब। जी हाँ दोस्तों, अभी भाई ने कॉल किया है और बोला कि आप लोग आ जाइए, मिल लीजिए। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर क्रेजी एक्स वाई जेड का घर है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए जो बोर्ड लगा हुआ है भूमि वाटिका कॉलोनी, यहाँ से सीधा आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से उनका घर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए रेड कलर का जो आपको दिख रहा है वो है क्रेजी एक्स वाई जेड का घर। जी हाँ दोस्तों, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, देखते हैं मिलते हैं या नहीं। वैसे मिलना चाहिए, क्योंकि भाई बड़े यूट्यूबर हैं, बट यार हम लोग को मतलब क्या है, मिलने के लिए आए हैं। कम से कम एटलीस्ट वीडियो तो नहीं बनाने देंगे, मुझे पता है, बट मिल तो सकते हैं ना। तो चलिए आइए, चलते हैं अंदर। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही हैं, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, करीब 800 किलोमीटर का रास्ता मैं तय करके यहाँ आया हूँ सिर्फ उनसे मिलने के लिए, क्रेजी एक्स वाई जेड यानी अमित शर्मा से। तो ये रास्ता लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं खरिंजा है, और यहाँ से हम लोग जाएँगे और उनके घर जाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है क्रेजी एक्स वाई जेड का घर, और जैसे कि आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरे की नज़र पे हैं, ये पूरा उनका घर है, ये देखिए गाइस। तो गाइस अभी हम लोग मिल के आ रहे हैं क्रेजी एक्स वाई जेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, 20 मिलियन हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 करोड़ फॉलोवर्स हैं। कभी कभी बिलीव नहीं होता, बट ये रियल है भाई, हम लोग मिल के आ रहे हैं। आपको बता दो, हम लोग पहले एंट्री किए, गए भाई लोग मिले, चेयर बैठे, पानी वगैरह, चाय आई, और बहुत सारी ढेर सारी बातें किया। हाँ, बात हुई बाद में, काफ़ी देर बाद अमित भाई आए, मुलाकात अच्छी थी, क्योंकि हर कोई घबराता है यार, क्योंकि उन्होंने भी अपनी स्टोरी बताई कि बहुत कंट्रोवर्सी होती है, लोग आते हैं फिर वीडियो बनाते हैं, इसके बाद वो चले जाके कुछ और वीडियो अपलोड कर देते हैं, निगेटिविटी बोल देते हैं, निगेटिव बोल दिया, पानी भी पिलाया फिर भी कहते हैं पानी नहीं पिलाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लगा मिलके भाई ने, बहुत सारी चीज़ें बातें हुई हमारी, आधे घंटे तक बात हुई, बात चलती रही चैनल्स के बारे में ये सब, और कुछ नहीं, इंटरव्यू तो शूट नहीं हो पाया, लेकिन कोई नहीं, मुलाकात हो गई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि हर कोई मिलता नहीं है जल्दी से। ठीक है, लेकिन उन्होंने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा, आधा घंटा टाइम दिया भाई, बहुत बड़ी बात है। और पानी हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया भाई का। हाँ पानी भी बहुत पिया हम लोगों ने, बिसलरी थी यार, पूरा समझ लो 800 किलोमीटर का हमने वसूल कर दिया भाई, बिसलरी पानी दे, पानी दे, पानी फिर चाय पिया, और बहुत सारी बातें की, फ़ोटो खिंचाया, अच्छा लगा। और उनके जितने टीम मेम्बर्स हैं सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया, और काफ़ी अच्छा रहा। जैसा कि आपको मैं दिखा नहीं पाया, बट फिर भी हाँ भाई, इस टाइप के वीडियो शूट करने में थोड़ा सा होता है, रिस्क भी होता है,
और लोग नहीं दिखाना चाहते ना भाई हमारा वीडियो है, हम कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब वो चीज़ें कोई नहीं शेयर करना चाहता। बड़े क्रिएटर हैं भाई आजकल, क्या है छोटे क्रिएटर आते हैं और उल्टा सीधा दिखाते हैं कि भाई ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो बहुत सारा मतलब इनडायरेक्टली मतलब वो गलत फील कर देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, कमेंट लोग वीडियो बनाते हैं तो इसकी वजह से, तो खैर कोई बात नहीं। एक ही चीज़ है यार, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, जो सभी लोगों ने किया है आपको भी करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है, ऐसे आपको सफलता नहीं मिलने वाली है यूट्यूब पर। तो भाई का सेटअप बहुत शानदार था, वहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ और बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें बहुत सारी थी भाई, और हम लोग मतलब जल्दी फिर आना पड़ा क्योंकि उनको एक वीडियो भी शूट करना था, जिसकी वजह से फिर हमने आधा घंटे के बाद फिर हमने कहा चलते हैं। तो भाई बहुत अच्छा लगा, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, हम लोगों को जयपुर निकलना है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप। तो फिर मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।